मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपरी इलाकों के साथ ही श्योपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते पार्वती नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। नदी के टापू पर बना सूढ़ी गांव बाढ़ से गिर गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने ऐतिहासिक एसटीआरएफ की टीम के माध्यम से टापू बने गांव से 50 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एमपी के शिवपुरी में चौंकाने वाली खबर है। यहां गांव में चीते ने किसान पर हमला किया है। घटना शिवपुरी के सीहोर थाना के कांकर गांव के पास हुई। बताया जाता है कि घायल किसान को भीतरवार अस्पताल लाया गया है। किसान का नाम संजू रावत बताया जा रहा है। बग बोर्ड के एक्ट को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हफीज ने भोपाल में कहा कि अंग्रेजों के जमाने से कानून चल रहा है। बग बोर्ड की जमीन मुसलमानों ने ही समाज के लिए दी थी, बेवजह देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। एमपी के रतलाम में जिला प्रशासन बालिका मदरसे की जांच करने पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस जिले के वीरियाखेड़ी स्थित इस मदरसे को बिना अनुमति संचालित किया जा रहा था। इसका नाम दारुल उलूम गुलशन फातिमा मदरसा है। मदरसे के संचालक ने कहा कि अनुमति की प्रक्रिया जारी है, इसमें 44 बच्चियां पढ़ रही है। प्रदेश के अलावा यहां यूपी की बच्चियां भी हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में हाथियों की चहलकदमी दिखाई दी है। यहां हाथियों का एक दल सड़क पार करते दिखा है। इस दल में हाथी का बच्चा भी शामिल है। इस दल की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रशासन ने 2 दिनों के लिए तंत्रवार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरोप है कि इस बार में देर रात तक शराब परोसी जा रही थी। आबकारी टीम को छापे के दौरान रात 11 बजे के बाद भी यह बार खुला मिला था। हाल ही में देर रात तक बार खुले रहने से कई मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। एमपी के हरदा जिले के खिरकिया में पुराने बंद मकान की जर्जर दीवार गिर गई। यह दीवार पड़ोस में रह रहे गंगाराम के मकान के बरामदे में गिरी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दीवार गिरने से कुछ देर पहले ही गंगाराम राजपूत घर के अंदर चले गए थे, इस तरह उनकी जान बच गई। घटना में पीड़ित गंगाराम का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मध्य प्रदेश में मॉनसून के 2 सिस्टम एक्टिव होने से बारिश का दौर लगातार जारी है। सोमवार को मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। 10 बड़े बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में हो रही गिरावट के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेराया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां एजुकेशन का बजट पिछले बार की तुलना में 2 गुना होकर 32,000 करोड़ रुपए हो गया है। सागर में दीवार गिरने से हुई मासूमों की मौतों पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। सीएम ने पहले भी इस मामले में शाहपुर के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा सीएम और पीएमओ की ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है।